वही है ना, हाँ ऊपर है ना, कहाँ पे इधर 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 आइए, इधर आइए, देखिए लाइट जहाँ पर देखिए वहाँ पर कोबरे है ना, पहचान लिया था एकदम आराम, आप तो पहचान ही लीजिएगा। कैसे होगा ये डाटा सिलाक नीचे गिरा है, नीचे में था, नीचे था। हेलो दोस्तों, नमस्ते, जय हिंद। जैसे कि आप देख रहे हैं, कुछ देर पहले मुझे कॉल आया कि किसी के घर के गाज के ऊपर में जो कि कोई कोबरा सांप बताया जा रहा है कि छुपा हुआ है, तो मैं आया हूँ सांप को रेस्क्यू करने के लिए। तो चलिए उस इंसान से मिलाता हूँ जिसने मुझे कॉल किया, बुलाया, जहरीले से जीव को बचाने के लिए मुझे याद किया। आप फोन किए थे ना, हाँ जी, आप अपना नाम और पता बता दीजिए। मेरा नाम नवजोत कुमार है, स्टेशन मास्टर उखड़ा है, ठीक है, स्टेशन कुलनी में रहते हैं, रेलवे कुलनी में, और कॉल के तरफ 20 मिनट के अंदर ही पहुंच गए यहाँ पे, ठीक है। 20 मिनट वो भी रेल गेट के, रेल गेट बहुत बिजी, रेल गेट पार करके पहुंचे हैं, तो कृपया इनको भाई सपोर्ट कीजिए जिससे भी हो। और इससे पहले भी एक बार आ चुके हैं इस जगह पे, सेम परमो जी के घर पे ना, परमो जी के घर पे ना, उनके घर पे भी एक कोबरा सांप का जो कि आ गए थे, तो रेस्क्यू करने आया था। तो ये मेरा दूसरा है इस जगह पे, तो चलिए मैं सांप को रेस्क्यू करता हूँ, दिखाता हूँ, बताता हूँ उसके बारे में किस तरह से। ये बहुत डिफिकल्ट है सांप को रेस्क्यू करना, इसलिए क्योंकि ये गाछ पे, पेड़ पे बहुत ऊपर है। और आप लोग कैसे देखे, नीचे से जा करके ऊपर चढ़ गया, नीचे से इतना प्रेम चढ़ गई, नीचे इस जगह था, इस जगह जाके पूरा प्रेम चढ़ा है। और इससे पहले जो कि हम सुने थे इस तरह से पेड़ पे जो कि बहुत सारा सांप की पक्षी का चूजा या बच्चे का अंडे खाने के चक्कर में वो चला जाता है, सुने थे, और आज जो कि रियल में आँख से देख रहे हैं, आँखों देखा हाल ही बताएंगे, मैं छोटलाल दा, तो देखे कैसे चढ़ा है पेड़ में। तो आप नाम और पता दीजिए, आप ही देखे थे तो, अब नाम और तो पता दीजिए, बोलिए अब नाम और पता बताइए। नाम, मेरा नाम छोटलाल साहू है। आप कहाँ रहते हैं? उखड़ा रेलवे कॉलोनी, और यहाँ पे ड्यूटी करते हैं ना। तो आप कब कहाँ देखे थे, किससे देखे? हम बाजार करके जब आ रहे थे, यहाँ सब नीचे में यहाँ पड़ा था, इस जगह पे देखे थे फर्स्ट टाइम में। हाँ, फर्स्ट टाइम में। उसके बाद जब लाठी बोले, लाठी लेकर जाओ, तो कोई आगे जाकर फिर गाछ पर चढ़ गया ना। ये पक्षी पक्षी का कुछ घोंसला होता है? कुछ नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सफा करवाए पूरा इधर, सफा करवाए कुछ नहीं। तो चलिए दोस्तों, आप वीडियो को लास्ट तक बने रहे, मैं लेता हूँ कुछ मिनट सांप को निकाल के। काम करता है घर में घुस गए, तो घर पे नहीं जाएगा, घर पे नहीं जाएगा, वो ठीक लिखा जाएगा। आज इस तरफ आज को रेस्क्यू जो है कि बहुत खतरनाक होने वाला है, जो है पेड़ पे, उस तरफ से है ना, पेड़ पे है ना, अब लाइट वहीं पर मारता रहेगा, चलिए इस तरफ आ जाइए, इस तरफ से बताया जा रहा है, इस तरफ सीढ़ी है, तो सीढ़ी होता है, चलिए ना, तो गेट आवाज चलिए, आप गेट से चल जाइए। कार्बोलिक एसिड दिया हुआ शायद, फिनाइल है। देखिएगा सदाम जी, ध्यान से स्टिक तो आज हेल्प करेगा, आज स्टिक तो कई खेल है ना,
स्टिक का ही आज खेल है। ठीक हो जाए, बंद करो, जिसमें की ब्लॉकेज हो। पर्दा उठा लो, पर्दा उठा, लाइट लाइट हिलाएगा नहीं कोई, पूरा खिड़की बंद कर, ये सब बंद कर लो, लाइट कंटिन्यू उसमें दीजिए, चाहिए ठीक है। और यहाँ के लोग जो है लगातार सपोर्ट कर रहे हैं इस जहरीले से जीव को बचाने के लिए। बंद करके रखो बेटा, पूरा एकदम जकड़ लिया, जकड़ लिया, ऊपर चढ़ रहा है, लपेट लिया है, अभी छूटेगा ना, क्या हुआ रे, पूरा नीचे कैसे उतरेगा इंसान, कोबरा है, कोबरा है, कोबरा हाँ पे, कोबरा है, कोबरा तो ये लेक उतना डिफिकल्ट लग रहा है, नीचे थोड़ा, नीचे थोड़ा गिराएगा, छोड़ना पड़ेगा, बाहर निकल आवाज दी सर भाई, लाइट में लाइट बड़ा है, नंबर शेयर कर दिया, आप लोग नंबर नहीं रखते सबका ना, एक बढ़िया किसी को दस्ता नहीं काटता नहीं है, जब इसके साथ कोई छेड़छाड़ होता तभी जाके इंसान को क्या करता, बाइट करता, काटता अपना बचाव में। आप इंसानों से डर सकते हैं मगर इस जीव से मत डरिए, क्योंकि इंसान क्या करता है, हर अपने लाभ लेने के लिए और यूज करने के लिए क्या करता है, इंसान को इंसान से लड़ाता है और यूज करता है उसको हर वक्त। ये क्या करता है, जब इनके साथ कोई छेड़छाड़ होता तभी जाके अपना बचाव में। बहुत कोई लोग ऐसे गांव के आदमी बोला जाता है कि बहुत सारे कोबरा कि ये सब क्या करता है, दौड़ाता है, काटता है, ऐसा कुछ भी नहीं। देखिए हम बगल में पास में बैठे हैं, कुछ कर नहीं रहा है, देखिए कुछ नहीं कर रहा, देखिए पास में। अरे घर के सामने था, क्वार्टर के सामने था, डांस कर रही है का दो 20 दंत होता है ऊपर में, और ऐसे सांपों से खास करके बच के रहना चाहिए, क्योंकि अक्सर हमारे ऐसे सांपों के काटे जाने से हमारे भारत देश में 20,000 से 25,000 लोग मारे जाते हैं हर साल। जी हाँ, हर साल। आप तो जब भी ऐसा कोई सांप बाइट करे तो आपको झाड़ फूक के चक्कर में नहीं जाना है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में लोग क्या करते हैं, गाँव देहात में जो खेत खलिहान से जुड़े हैं वो लोग क्या करते हैं, झाड़ फूक में चले जाते हैं। पास में भी एक घटना है, ये रेल गेट के पास खटाल में एक बच्चे को सांप काट लिया था, तो वो
सेंड बॉय स्नेक था, वो जहरीला नहीं था। लोग क्या बता रहे थे कि आप बिहार चले जाइए, वहाँ पर एक बाबा है वो झाड़ता है। तो हम बोले ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। पास में ही जिला सदर हॉस्पिटल जो दुर्गापुर है, हमारे सरकार के द्वारा किया जाता है, वहाँ पर एस्टीमेट दिया जाता है, वो भी फ्री में, और फ्री में पूरा इलाज किया जाता है। डाल दे गाड़ी में झोला है थोड़ी सी। हम लोग क्या करते हैं, वीडियो के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं, जैसे कि जहरीले जीव को भी बचाते हैं, लोगों को बचाते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं कि जब भी कोई सांप बाइट करे आपको कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। तो चलिए दोस्तों, मैं इसे प्रबंधन में जो पैक करता हूँ और रात का टाइम है, ले चलता हूँ इसे पर्यावरण में, जंगलों में रिलीज करने के लिए। और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं कि जहरीले जैसे जीव को बचाने के लिए मुझे याद किया, बल्कि मारा नहीं इसे। हाँ ये कितना ही बड़ा होता है सब ना। हाँ ये पाँच साढ़े पाँच फीट का होता है, मतलब खाता पीता घर का। हाँ खाता पीता घर का है, खाता पीता का। इसको देख के लग रहा है कि कम से कम 15-20 साल पुराना होगा। इसका हाइट है कम से कम 5 फीट के आसपास, वजन 3-4 केजी का वजन। ए था गया। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ इसी नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय, गुड नाइट, जय हिंद। जैसे कि आप देख रहे हैं, कुछ देर पहले मैंने उखड़ा रेलवे स्टेशन के पास से एक बिग साइज का जो कि इंडियन स्पेक्ट्रल कोबरा नाग सांप मैंने रेस्क्यू किया था एक पेड़ से, जो कि बहुत ही खतरनाक, ऐसे मैंने वीडियो पे सुना था, मगर आज जो रियल में मैंने उस सांप को रेस्क्यू किया, बहुत ही अंदर से डर सा माहौल था। तो चलिए दोस्तों, मैं इसे फटाफट अंदाज में इसे रिलीज करता हूँ। ऐसे सांपों को, और ये ऐसा सांप जो है कि हमारे पर्यावरण को बनाए रखने में बहुत अहम भूमिका है। तो चलिए इसे मैं देखें, वो सांप जो कि चला गया वो अपने इलाका में। तो देखें, जैसे कि मैं अपने जान का परवाह ना करके जहरीले से जीव को बचाता हूँ, लोगों को जागरूक करने का काम करता हूँ, तो इसी तरह से मुझे आप लोग सपोर्ट करते रहें। मैं मिलता हूँ इसी तरह से जीव जंतु को बचाते हुए नेक्स्ट वीडियो में। बाय, गुड नाइट, जय हिंद।